नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं और बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं। ऐसे अक्सर बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं कि सर हमें सवाल तो आ जाता है, लेकिन सर आइडेंटिटी कब इस्तेमाल करना है वो मुझे नहीं आता है, प्लीज़ सर आप मुझे आइडेंटिटी सिखा दो। अब बहुत सारे बच्चों के पास मैं एक ही प्रॉब्लम समझता हूँ, एक ही प्रॉब्लम्स बच्चे मुझे बार बार कहते रहते हैं, सर सवाल तो समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन सर आइडेंटिटी बनता कैसे है, सर ये आइडेंटिटी नहीं आती है मुझे। सर आइडेंटिटी आ जाती है, लेकिन सर सवाल के अंदर अप्लाई कैसे करना है सर ये नहीं आता है। तो बेटा आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल कब करना है, सर ये आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वसम्मिका। क्या कहते हैं? सर्वसम्मिका, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। क्लियर समझ में आ रहा है? तो आज मैं आपको एक एक करके अलजेब्रिक आइडेंटिटी बताऊंगा और इसे कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर समझ में आ रहा है ना आपको? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए स्क्रीन पर देखते हैं, एक एक करके आइडेंटिटी को समझते हुए चलते हैं। तो देखो आइडेंटिटी का इस्तेमाल कैसे करने और आइडेंटिटी बनता कैसे है ना। आप सिर्फ ना देखो, सवाल तो सीखना है आपको, नो डाउट। सवाल सीखने से पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो दुनिया का कोई भी सवाल होगा ना आप इजीली तरीके से सवाल को सॉल्व कर लोगे। और मैं हर वीडियो में एक ही बात कहता हूँ, एक टारगेट बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए। आप मैथ का ना सबसे पहले, मैथ अगर आपको सीखना है ना, मैथ में हीरो बनना है ना, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला आइडेंटिटी क्या कहता है? पहला आइडेंटिटी कहता है कि सर x प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो एकदम सिंपल है, क्या करना है ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपको आ जाएगा, यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर b लिखा है ना, तो एक काम करो, ये a और b दोनों साथ में लिखा है ना अलग अलग, तो एक काम करो दोनों को अलग अलग लिखो। यहाँ पर a है ना तो यहाँ पर लिख दो a, यहाँ पर b है यहाँ पर लिख दो b, थोड़ा सा दूर में। क्लियर समझ में आ रहा है? ओके, और ये 2 है ना तो यहाँ पर लिख दो 2, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग है ना, दोनों को साथ में लिख दो। क्लियर? अब क्या करना है, इसके ऊपर पावर है ना तो यहां पर भी लगा दो पावर। अब सर साइन में दिक्कत हो रही है, सर यहां तक तो आ गया, अब यहां पर प्लस है ना तो सब जगह प्लस लगा दो, प्लस प्लस, सर बन गया आइडेंटिटी। इस तरीके से करना है, क्या करना है, पहले का वर्ग प्लस से दूसरे का वर्ग प्लस से 2 लिखकर पहली दूसरी। मैंने क्या कहा, पहले का वर्ग प्लस से दूसरे का वर्ग प्लस से 2 लिखकर पहले दूसरी। क्लियर? सेम इसी तरह माइनस वाला भी करना है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर इसको कैसे बनाएंगे, सेम उसी तरीके से। देखो यहां पर a यहां पर b है ना तो यहां पर लिखो a, यहां लिखो b, और ये 2 है ना यहां लिखो 2, और ए भी अलग अलग है ना इसको संग में लिख दो, और इसके ऊपर पावर क्या है 2 है ना तो इसके ऊपर भी पावर आप लगा दो 2 2। अब सर यहां पर माइनस है, अब सर साइन में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं। आपको स्नेक देखा है आप लोगों ने, स्नेक सांप देखा है आपने, तो देखो सांप कैसा होता है, सांप यूं करके यूं जाता है, और सांप का मुंह कैसा होता है ऐसे खुलता है। तो पहला हमेशा ना पहला साइन आपको क्या करना है, यहां पर प्लस करना है, ठीक है, पहला हमेशा साइन प्लस होगा, और दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, और प्लस आगे लिखते नहीं। इस तरीके से आप साइन लगा सकते हो, और ज़िंदगी भर आपको प्लस माइनस में कभी दिक्कत होगी ही नहीं। अगर आपने स्नेक याद कर लिया ना, स्नेक का पहला प्लस
पहले हमेशा प्लस करने का, फिर माइनस करने का, फिर प्लस करने का, फिर माइनस करने का, फिर प्लस करने का, फिर माइनस करने का, इस तरीके से प्लस माइनस लगाने का, और कभी गलतियाँ नहीं होंगी। ये था हमारा दूसरा आइडेंटिटी। अब बात कर लेते हैं तीसरी आइडेंटिटी। तो तीसरी आइडेंटिटी कभी कभी क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसमें सर देखो, एक बार प्लस लिखा है, एक बार माइनस लिखा है, तो इस तरह इसको हम किस तरीके से करेंगे, एकदम सिंपल है। देखो क्या करना है, यहाँ पर देखो ये ए है, ये ए कितनी बार लिखा है, एक और एक क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर हो जाएगा। अरे वाह, बी और बी यहाँ पर लिख दो बी स्क्वायर, बस काम हो गया। क्योंकि बी कितने बार है आपके पास, दो बार है, इसलिए बी का दो। अब सर साइन क्या लगाएं, ये भी दिक्कत हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर लगा दो माइनस, ये सर हमारा आइडेंटिटी तैयार हो गया। समझ में आ रहा ना आपको। चलिए चौथी आइडेंटिटी की बात करता हूँ। तो कभी कभी सर चौथी आइडेंटिटी में ऐसा लिखा हुआ है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। सर चौथी आइडेंटिटी में कुछ अलग दिख रहा है, सर एक्स एक्स समान दिख रहा है, तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, सर एक तो आ गया, अब दूसरा क्या करूं, ए और बी, एक काम करो ए और बी को ना यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ए और बी हो गया। चलिए ए और बी मल्टीप्लाई हो गया। सर अब क्या करूं, सर ए प्लस बी प्लस, एक काम करता हूं ए और बी को मैं क्या करता हूं, प्लस कर लेता हूं, और सर ये एक्स है ना, ये एक्स के साथ इधर गुणा कर देता हूं, और सर साइन क्या लगाना है, प्लस है ना दोनों बाजू, तो इधर भी प्लस लगा दो, इधर भी प्लस लगा लो, सर आइडेंटिटी बन गया मेरा। और अगर आपको ये वाला आइडेंटिटी नहीं है, तो इसको आप फिर से वीडियो को रिपीट करके आप सीख लेना, और आपको डेफिनेटली आ ही जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है ये एक्स कितनी बार है, दो बार है ना, तो एक्स की दो लिख दिया, फिर ए और बी का क्या करो, गुणा कर दो, ए बी के साथ मैंने गुणा कर दिया, फिर क्या करना है, ए और बी को क्या करना है, प्लस करना है, ए और बी के साथ प्लस करके एक्स का क्या करना है, गुणा कर देना, आपका आइडेंटिटी बन जाएगा। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करता हूँ बड़ा, नेक्स्ट क्या है आपका, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर इस टाइप का आइडेंटिटी आएगा, तब आप किसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, जैसा है ना वैसे कर दो, ए बी सी, तो ए बी सी, अरे वाह इसके ऊपर दो है ना, तो दो लगा दो, लग गया। क्लियर। अब क्या करो, यहां पर कितनी बार लिखना है, टू कितनी बार लिखेंगे, तीन बार लिखेंगे, एक दो तीन, तीन है इसलिए तीन बार लिख दिया। अब देखो ए बी, ए बी के साथ, फिर बी सी के साथ, फिर सी ए के साथ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, पहले इन दोनों के साथ गुणा करने का, फिर इसका इसके साथ गुणा करने का, फिर इसका इसके साथ गुणा कर देने का। क्लियर। पहले ए बी के साथ गुणा करने का, फिर बी सी के साथ करने का, फिर सी ए के साथ करने का, देखो ए बी बी सी सी ए, और सर यहाँ पर साइन क्या लगाना है, प्लस है ना, तो सब जगह प्लस लगा दो, सर आइडेंटिटी मेरा बन गया। अरे वाह सर, मजा आ गया है तो आइडेंटिटी करने में। ठीक है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी थोड़ा सा टफ है, लेकिन एकदम इजी वे में समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। सर ये वाली आइडेंटिटी के हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। ए प्लस बी का क्यूब, अगर a प्लस बी का क्यूब हो जाए, तो सर उसको कैसे बनाना है, उसको भी इसके जैसा ही बनेगा, बस यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर क्यूब है, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। बनेगा कैसे, ध्यान से सीखो। सबसे क्या करना है, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, फिर तीन है ना, तो कितनी बार है, एक और दो, तो यहाँ पर लिखो तीन, यहाँ पर लिखो तीन, ये a और b को साथ में लिख दो, और ये a और b को साथ में लिख दो। अब क्या करो, यहाँ पर a के ऊपर स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर b के ऊपर स्क्वायर लगा दो, और सब जगह प्लस कर दो, सर मेरा आइडेंटिटी बन गया।
अरे वाह सर, कैसे किया एक बार फिर से बताओ। देखो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, फिर क्या लिखना है, थ्री को दो बार लिखो, दो बार लिख दिया, फिर ए बी ए बी ए बी, फिर क्या करो, यहाँ पर ए के ऊपर स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर बी के स्क्वायर ऊपर लगा दो, सर मेरा आइडेंटिटी बन गया। आई होप आपको ये आइडेंटिटी भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करता हूँ। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, माइनस वाला, सेम उसी तरह यहाँ पर माइनस में आइडेंटिटी दिया है, सेम बनेगा इसी तरह। देखो, पहले का क्यूब फिर दूसरे का क्यूब, फिर दो बार तीन लिख दो, लिख दिया, फिर ए बी को संग में लिख दो, लिख दिया, ए के ऊपर स्क्वायर कर दो, बी के उसके ऊपर कर दो। अब सर साइन में दिक्कत हो रही है, साइन स्नेक सांप को याद करो, सांप का पहला मुंह होता है प्लस की तरह, तो पहले में प्लस, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस, चौथे में माइनस, आप देखोगे ना आपका आइडेंटिटी यही होगा, प्लस माइनस का साइन, और प्लस माइनस के साइन में कभी आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। आई होप आपको ये सारी आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आई होगी। सर एक कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी क्या होती है, सर कभी कभी आइडेंटिटी ना थोड़ा अलग अलग आ जाता है, सर अलग अलग आइडेंटिटी आ जाए तो उसके लिए क्या करने चाहिए, यानी कि जैसे कि मान लो ए की स्क्वायर प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, सर इस टाइप का अगर आ जाए और बोले कि आइडेंटिटी लिखो, तो सर इसका आइडेंटिटी हम क्या लिखेंगे, एकदम सिंपल है, एक काम करो, ए और बी है ना, तो ए और प्लस बी इसको बाहर निकाल लो, इसमें से ए इसमें से बी बाहर निकाल लिया। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर ए की थ्री था, यहाँ पर बी की थ्री था, ए भी बाहर आ गया, बी भी बाहर, मतलब ए एक तीन था, एक निकल गया तो दो बचा, यहाँ पर पावर थ्री थी, एक पावर निकल गई तो थ्री, मतलब कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर ए की थ्री थी तो दो बचा, प्लस बी की थ्री थी यहाँ पर दो बचा। अब सर ये वाला अगर ध्यान से देखूँ ना, तो ये वाला ना सर ऐसे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसका आइडेंटिटी मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था इसकी आइडेंटिटी, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस टू लिखकर पहली दूसरी। सर आई होप ये वाली आइडेंटिटी आपको बनाना आ गया होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी तो आप यहाँ पर सीखे थे। सर देखो बहुत ईजिली वे में मेरे को ये आइडेंटिटी सीख गया। सेम इसी तरह माइनस वाला भी आइडेंटिटी होता है, वो वाला देखो, वो वाला कैसे होगा, ए की थ्री माइनस बी की थ्री, वो भी इसी तरह, ये वाला भी इसी तरह करेंगे, कैसे करेंगे, पहले ए माइनस है तो माइनस बी निकाल दिया, अब जब इसमें से ए की थ्री बी की थ्री में से एक निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, अब इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए माइनस बी। अरे सर ये वाला तो इसके जैसा दिख रहा है, और इसकी आइडेंटिटी क्या थी, मैंने आपको बताया था इसकी आइडेंटिटी क्या है, पहले का वर्ग प्लस माइनस दूसरे का वर्ग, फिर टू लिखकर पहली दूसरी। अब सर साइन क्या लगाएंगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। सर अरे वाह सर, ये आइडेंटिटी मेरे को बनाना आ गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय।